चलो चलो जरूर चलो चलो देखते कहीं शायद कुत्ता मिल गया है। अभी क्या है दिख रहे पर यहाँ पे पप्पी मिल गया है, देख सकते हैं आप, ये डरा हुआ है बहुत। गाइस आप इसको देख सकते हैं बहुत मस्त है। मैं तो आप ये लोग को देख सकते हैं, अरमान वहां जहाँ जा रहा है और सलमान छुप गया है, तो अभी ढूंढते सलमान को दिखाते हैं आप सभी लोगों को वहां पे है। और गाइस गेट बंद कर लिया तो गाइस वैसे भी 7 दिन के बाद नहा रही है तो इसको ऐसा नहलाया जाता है, देख सकते गाइस। तो हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बड़े हो गए। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए आज दिखाते हैं आप सभी लोगों का फैमिली ब्लॉग। तो यहाँ पे सारवाजी कपड़ा लेकर जा रही है और ब्लॉग के साथ, और चलते फिर कपड़ा खींचने। और ये लोग आ चुका है गाइस, देख सकते हो ये लोग गया हुआ था मस्जिद जहाँ से आ चुका है। आज एक मेरा पार्सल भी आने वाला है, देखते हैं कुछ देर में डिलीवरी बॉय का कॉल आएगा तो फिर चलते हैं पार्सल लेने के लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो ऐसे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। वैसे आप सभी लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि डेली ऐसे ही ब्लॉग्स लाएं। तो अभी आ चुके हैं हम लोग छत में, मैं तो आप ये लोग को देख सकते हैं, अरमान वहाँ जहाँ नहीं जा रहा है और सलमान छुप गया है, तो अभी ढूंढते सलमान को दिखाते हैं आप सभी लोगों को वहाँ पे है। और गाइस गेट बंद कर लिया तो गाइस यहाँ से आप सभी लोग को दिख रहा होगा ये छुप गया है, अब ये नहीं दिखने वाला है। और गाइस यहाँ पे यास्मीन भी नहा धोवा के रेडी हो गई। गाइस सब कोई 7 दिन के बाद नहा रहा है क्योंकि जुम्मा है आज इसलिए। और यहाँ पे एक बकरी आई है और इसके देख सकते क्या क्या लगा हुआ है। गाइस आप सभी लोग सलमान को देख सकते नहाते हुए, देखिए गाइस ये शैम्पू लगाना नहीं चाह रहा है और वैसे भी 7 दिन के बाद नहा रही है तो इसको ऐसा नहलाया जाता है, देख सकते गाइस। मेरी मम्मा ना दे रही है, ये को देख सकते हैं तो इसको देख सकते हैं ठंड में कैसे नहा रहा है। गाइस इसको देख सकते कैसे उछलेगा, अभी ये पानी को डाल रहा है। तो गाइस देखिए आपने कैसे सलमान नहा रहा है। और यहाँ पे दो और बकरियाँ आ गई है गाइस, मेरे घर में कुत्ता नहीं बकरियाँ रहती है, देख सकते हैं आप, एक बड़ी बकरी एक छोटी बकरी। सबके घर में कुत्ता होता है गाइस, मेरे घर में बकरियाँ होती है। तो सब्सक्राइब। तो गाइस हमें पार्सल मिल चुका है सिंपली, तो अभी हम लोग चलते पार्सल को अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। और अभी जस्ट पार्सल वाले भैया आए थे, वो डिलीवर करके चले गए, तो अभी देखते हैं। यहाँ पे ये लोग भी हैं जो कपड़े पहन लिए नहा धोवा के रेडी है, ये लोग मोटा मोटा एकदम गाइस यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं सिंपली, मेरा पार्सल फ्लिपकार्ट के साइट से आया है और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और लाइट, तो यहाँ पर मेरे पास दो दो लाइट्स आ चुके हैं जो कि मेरे सेटअप में काम आने वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे बूम बाम। गाइस इसके अंदर ये एक रिमोट मिला है जिससे आप कलर को चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये RGB लाइट है गाइस, देख सकते हैं आप, इसके अंदर से ये जितने भी कलर्स हैं इनके लाइट जलेंगे, जैसे किसी भी कलर को यूज़ करेंगे तो उसका लाइट जलेगा। पूरा हमने सेट कर लिया है, ये सब कुछ रेडी है। अब ये रहा रिमोट और यहाँ पे हमने लगा लिया वायर और इसका कनेक्शन कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं ये जल रहा है कि नहीं। बूम गाइस ये जलने लगा, ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं ना ब्लू वाले जलाकर, तो यहाँ पे मैंने ब्लू के ऊपर क्लिक किया, ये सिंपली वर्क हो रहा है। अभी देख सकते हो ब्लू लाइट जल रहा है, अब मान लो ग्रीन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ग्रीन लाइट जल रहा है। Hours later. गाइस मैं सो गया था, जस्ट अभी उठा हूँ और ये लोग कहीं से कुत्ता का बच्चा देख कर आया, तो चलिए उसको अडॉप्ट करने चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इतने सारे बच्चे लोग हैं, तो चलिए देखते हैं कुत्ता का बच्चा को। तो उसको देखने के लिए हम लोगों को अपने घर के पीछे जाना होगा, जैसे कि हमारे घर के पीछे पहाड़ है तो वहाँ पे कुत्ता के बच्चे दिए हैं, मतलब कुतिया ने बहुत सारा बच्चा दिया है, तो उस बच्चे को देखने चलते हैं। तो चलिए चलते फिर चल। तो गाइस हम लोग अभी गेट खोल लिए, पीछे चलते फिर। तो यहाँ पे सब लोग हम लोग जा रहे हैं मैदान के तरफ, उधर ही कुत्ता का बच्चा है और रास्ता कुछ ऐसा है, तो चलिए सीधा चलते कुत्ता के बच्चे के पास, वहाँ पे आप सभी लोगों से मिलते हैं और आप सभी लोगों को भी बहुत पसंद आएगा वो बच्चा पक्का। तो चलिए इधर थोड़ा रास्ता पतला है,
जहाँ आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ठंड भी बहुत है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, बस आगे कुछ भी नहीं दिख रहा लाइट होने की वजह से, और इस अंधेरे में हम लोग जाते हुए सब कोई। तो कहाँ पे है कुत्ता? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो गाइस हम लोग कुत्ता ढूंढने आए थे, यहाँ पे कुत्ता नहीं मिला, पर ये लोग आग जला दिया है, पता नहीं वो कुत्ता किधर गया। तो अभी सब कोई ढूंढ रहा है, पता नहीं इन लोग को शायद कुत्ता मिल जाए, और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, हम लोग कुत्ता ढूंढने आए हैं, कुत्ता का बच्चा है। और गाइस यहाँ पे भालू है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है गोवा वाला बीच में। तो पता नहीं किधर गया कुत्ता का बच्चा, चलो देखते गाइस शायद कुत्ता मिल गया है। अभी क्या है दिख रहा है, पर यहाँ पे पप्पी मिल गया है, देख सकते हैं आप, ये डरा हुआ है बहुत। गाइस अब इसको लेकर के चलते हैं, आग जला करके ना इसको सेकना होगा। चलो फिर इसको घर लेकर के चलते, इसको देख सकते हैं ये कितना मस्त कुत्ता है, और इसको हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। गाइस देखो ये पूरा कांप रहा है ठंडे से, तो इसको अभी लेकर के जाना होगा, घर पे रखना होगा इसको आराम से। बहुत ही अच्छा कुत्ता है देखो गाइस, तो चलिए इसको अडॉप्ट करते, इसको घर पे रखते हैं। अब इसको कुत्ते को ले लिए हैं, ये कुत्ता यहाँ पे, हम लोग अब इसको ले जाएंगे घर के तरफ। तो चलिए चलते हैं, ये कुत्ता को मैंने ही उठाया था गाइस। यहाँ पे पतली कमरिया मोरे, अबे आग उठ रख दो गाइस। अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, बहुत ही पतला रास्ता है यहाँ पे, इतना पतला कि यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग इसको घर लेकर के आ गए, अब इसका पूछ देख सकते हो पूरा टाइट हो गया, ये बहुत ज्यादा ठंड में, तो इसके लिए अभी आग जलाते हैं और इसके लिए कपड़ा वपड़ा लगाते हैं गाइस, इसको अच्छा से रखना है। तो चलिए इसको कुछ खिला भी देते हैं, आइए घर के अंदर, चलिए चलते हैं घर के अंदर। चलिए गाइस हम लोग घर आ गए हैं, देख सकते हो गाइस हम लोग घर आ गए हैं गाइस। ये देखो गाइस कुत्ता का बच्चा, तो यहाँ पे है कुत्ता का बच्चा, और हम लोग दिखलाते हैं, दूध पीता है। अरे पाउडर वाला दूध दे देना, नहीं तो चलिए अब हम इधर कुछ लग गया है, नहीं बालू लगा, बालू चोट है, पता ही क्या लोग कह रहे हैं नाली में गिर। सो गाइस कुत्ता को लेकर के आ चुके हैं, और अभी इसको खाने देते हैं और फिर इसका ध्यान रखते हैं ढंग से। तो हमारे पास आ चुका है दूध, ये पाउडर दूध है, और बिस्किट इसको देना है, देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ, और ये रहा बिस्किट, इसके लिए दूध डालने के बाद पैकेट में, इसको डर लग रहा है, गर्म पानी है क्या? गाइस अब इसको एक बिस्किट खिलाते, बहुत अच्छा गर्म पानी है, उसी में तोड़ ताड़ के दे दो गाइस, पोखरा था ना बगल में, पोखरे में घुस गया, फादर बोलता अरे पानी में काय फेंका कुत्ता, काय फेंका। तो फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते कैसे ये दूध पी रहा है, पूरा आवाज सुनना इसका गाइस, ये बहुत भूखा हुआ था, देख सकते हैं अभी इसको खाने दे चुके हैं, अभी मस्त से खा रहा है, अभी इसको रहने के लिए हम लोग जगह दे देते हैं, अभी रहेगा और फिर आराम से खाएगा। बिस्किट दें गाइस, बिस्किट इसी में डाल देते हैं, छोटा छोटा कर दीजिए, अभी इसको खाने देते गाइस फटाफट से। तो गाइस अभी कुत्ता आराम से खा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे मस्त से एकदम चिल मार के खा रहा है, इसमें पूरा इसका बिस्किट डाल करके इसको घोल दिए हैं, और ये मस्ती से खा रहा है। तो ब्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आएगा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और जो भी चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब कर देना, और इस कुत्ता के वास्ते हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, इसको बहुत अच्छे से खिलाएंगे और बड़ा करेंगे। तो ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और अभी हम चलते हैं, बस हम भी खाना खाना है और फिर ब्लॉग को एडिट करना है, फिर कल सुबह पोस्ट भी करना है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले और ब्लॉग्स में।